बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करके बताऊंगा, क्योंकि 1 से लेके 4 तक मैंने आपको सलूशन आपको बता दिए हैं, जिसमें आपको पहले वीडियो भेजी जा चुकी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सलूशन है, अब इसमें आपको डिजिट दी हुई है, डिजिट मतलब संख्याएं दी हुई है, डिजिट गिवन आर, ये आपको डिजिट दी हुई है 62743। अब इन डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट या लिस्ट यानी कि कम नंबर वाली डिजिट आपको बनानी है। अगर हम ग्रेटेस्ट डिजिट बनाते हैं तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह हम डिजिट लिखते हैं तो वो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर बन जाती है। और अगर हम स्मॉलर डिजिट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले छोटी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये दो ऑर्डर लिखने हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन नंबर में से जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर है और आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, इसका मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा बन गया 76,432। ऐसे ही हमारा लिस्ट 5 नंबर, लिस्ट का मतलब भी स्मॉलेस्ट ही होता है, लिस्ट 5 डिजिट नंबर 23467 यानी 23,467। तो अब ये आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों नंबर आपको मिल गए। अब इसमें डिफरेंस करना, डिफरेंस का हो गया इसका, इसमें से इसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट यानी ग्रेटेस्ट डिजिट में से स्मॉलेस्ट डिजिट को हम माइनस करेंगे तो आपका 52,965। तो इसमें आंसर जब आप लिखोगे, हैंस द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 52,965। ये आपका सोल्यूशन नंबर 5 का आंसर है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 1-5 तक हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से देखिएगा।
अब ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। इससे पहले मैंने आपको 5 का सलूशन बता दिया है, अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन आपके चेंज हो गया है। यानी कि अभी तक तो आपने प्लस और माइनस के सॉल्यूशन का किया था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है यहाँ पर आपके मल्टीप्लाइकेशन के सॉल्यूशन होगा। अब मल्टीप्लाइकेशन का हम कैसे करते हैं, अगर हमें जैसे अब यहाँ पर है नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे, यानी कि एक दिन में हमें जो स्क्रू मतलब जो पेच होते हैं, यानी कि पेचों की संख्या जो बनाई जाती है वो एक दिन में कितनी बनाई जाती है, तो एक दिन में मशीनों के जो पेच होते हैं उसकी संख्या जो है 2825, यानी कि एक दिन में हम इतनी संख्या बना सकते हैं। तो सीन्स जनवरी मंथ हैज़, अब वो ये कह रहा है कि जनवरी में वो कितने पेचों की संख्या बना सकता है। अब जनवरी के महीने में एक दिन में तो हमारे इतने हो रहे हैं, तो जनवरी में कितने होंगे, तो जनवरी में हमें दिनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। जैसे जनवरी फरवरी है तो ऐसे जनवरी में हम कितने दिन होते हैं, ताकि हम इसमें संख्या को आसानी से निकाल सकें, क्योंकि एक दिन का इसने दिया हुआ है हमारे पास। अगर एक दिन का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछते हैं तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा का दिया हुआ है और एक दिन का पूछते हैं तब डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिन की संख्या दी हुई है कि एक दिन में पेचों की संख्या इतनी होती है, तो जनवरी में कितनी होगी, तो जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, तो 31 का मतलब 31 दिन हो गए। तो हैंस नंबर ऑफ द स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी 2006, तो 2825 और 31, तो यानी कि हैंस द मशीन प्रोड्यूस 87,575। तो अब हम 31 दिन का निकाल लें, एक दिन का हमारे पास है, तो 31 की इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 31 दिन के आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन में हमारे 2825 है, तो 31 दिन में कितने होंगे हमारे 87,575। तो हैंस मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। क्लियर है? अब आपको 6 तक के सोल्यूशन बता दिए गए हैं, इसके आगे के जो आपके हैं 7 और 8 क्वेश्चन जो आपको इससे मिलते जुलते हैं, तो वो आपको इसके आगे के क्वेश्चन आपको स्वयं ही करने हैं। क्लियर है?